Assalamualaikum students, this is the book of chemistry of 9th class students. Today I am solving the numericals of chapter number 5, very most important numericals. Look at here on page number 119 students. ये जैसे कि मैंने numericals आपको section D numericals लिखा हुआ है, ये मैंने numerical number 1, okay students, ये वाला numerical 2, numerical 3, numerical 4 मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ और टुडे आई विल सॉल्व आउट न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को और न्यूमेरिकल नंबर 6 को. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये आपसे कहा गया है कि द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस. तो आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा यूनिट से मालूम करें कि यूनिट्स की बात सेंटीमीटर क्यूब में आ रही हो या मिली लीटर में आ रही हो या लीटर में आ रही हो, तो वो चीज़ वॉल्यूम होगी. ओके तो वॉल्यूम होगी, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम है, इसका मतलब है 800 क्या है हमारा, V1 हो गया. ओके इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर की बात आ रही है तो प्रेशर को पी से जाहिर करते हैं, तो लाजमी होते हैं प्रेशर की यूनिट जो है स्टूडेंट्स मिलीमीटर में भी लिखी जाती है, ATM के अंदर भी लिखी जाती है. ओके ऊपर वाले न्यूमेरिकल में ATM में लिया था, यहाँ प्रेशर को मिलीमीटर में लिया गया, तो फर्स्ट प्रेशर की बात आ रही है तो ये हमारा P1 है. ओके स्टूडेंट्स कौन सा प्रेशर है, P1, ये P1 है हमारे पास 750. ओके हमसे कहा जा रहा है इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, अगर वॉल्यूम 800 से कम करके 250 कर दिया जाए, यानी कि V1 ये है 800, तो V2 अगर 250 कर दिया जाए यानी कि वॉल्यूम कम कर दिया जाए, तो फिर P2 क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लाजमी तो वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. ओके तो हमको P2 मालूम करना है. तो इसका देखें मैंने गिवन किस तरह बनाया है, यहाँ पे देखें 800 हमारे पास V1 है. ओके और 750 हमारे पास P1 है. ओके और 250 V2 है, हमको P2 मालूम करना है. तो देखें न्यूमेरिकल नंबर है 5, ये देखें यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 5 को स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका गिवन में 800 को V1 लिखा. ओके और प्रेशर जो था वो 750 था, इसको P1 लिया, प्रेशर की यूनिट मिलीमीटर में ली गई है, और V2 जो वॉल्यूम हम कम करके 250 कर दिया, तो ये V2 हो गया. हमको मालूम करना है P2. देखें यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 5, 800 क्या है हमारा, ये V1 है. देखिए मैंने V1 लिखा है यहाँ पे. ओके उसके बाद 800 के बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है कंटेनर में गैस है, इसका प्रेशर 750 mm है, तो 750 मैंने P1 ले लिया. ओके अब हमसे कहा गया है कि इसका अगर वॉल्यूम 800 से कम करके 250 कर दिया जाए तो ये V2 होगा, तो V2 देखें मैंने 250 लिखा हुआ है. ओके तो इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, ओके तो व्हाट विल बी द प्रेशर, यानी कि P2 कितना होगा, तो P2 हमको मालूम करना है स्टूडेंट्स. ओके तो लाजमी बात है यहाँ पे हमको मालूम करना है कि 22 ला इस्तेमाल हो रहा है या 40 ला, जब भी न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता है, टेम्परेचर ना हो. ओके सही है, तो वो वहाँ पे 22 ला इस्तेमाल होता है. तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, मुझे मालूम क्या करना है P2, तो मैंने P2 के साथ जो V2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इधर आएगा, V2 इधर जब आएगा तो इसके साथ डिवाइड होगा, तो देखिए डिवाइड हो रहा है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया. अब इस फॉर्मूले के अंदर आप गिवन से देखिए वैल्यूज पुट अप कर दीजिएगा और P2 मालूम कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे. न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा जा रहा है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज 8 ATM. अब आप खुद डिसाइड करेंगे 8 ATM क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हम यूनिट से मालूम करेंगे. ATM की बात आ रही है, अगर ये यूनिट ATM हो या मिलीमीटर हो तो वो प्रेशर होता है. ओके यहाँ लिखा हुआ अभी ये प्रेशर, तो इससे मालूम होगा कि ये P1 है. ओके तो मैंने देखें यहाँ गिवन के अंदर लिख दिया कि 8 क्या है हमारा, 8 ATM P1 है. ओके आगे हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स के एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर, तो वॉल्यूम लिखा हुआ आ गया यानी कि वी, और लीटर में यूनिट आ रही है, चाहे मिलीलीटर हो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे डेसीमीटर क्यूब हो, ये तमाम के तमाम यूनिट्स वॉल्यूम की होती हैं. ओके यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये V1 है, 15 क्या है, V1, तो मैंने यहाँ गिवन के अंदर लिख दिया कि V1 क्या है, 15 लीटर. ओके आगे कहा जा रहा है इफ़ द, अगर प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 8 ATM से 6 ATM कर दिया जाए, यानी कि P1 8 है और अगर P2 6 कर दिया जाए, तो फिर V2 क्या होगा. ओके तो यहाँ देखें P2 देखें मैंने 6 लिखा हुआ है. ओके तो हमको V2 मालूम करना है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में. अब यहाँ पे देखें प्रेशर और वॉल्यूम की बात आ रही है. ओके तो प्रेशर और वॉल्यूम की जब भी बात आती है तो समझना 22 ला इस्तेमाल होता है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि 22 ला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ओके यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम की जब भी बात आए प्रेशर वॉल्यूम की, तो 22 ला इस्तेमाल होता है, यानी कि वैल्यू अगर प्रेशर और वॉल्यूम की दी गई है तो 22 ला इस्तेमाल होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इन दो चीज़ों से मालूम होता है 22 ला इस्तेमाल होगा. तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा 22 ला का, P1 V1 बराबर है P2 V2, हमको मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स V2, तो V2 मल्टीप्लाई हो रहा है P2 के साथ, जब P2 इधर आएगा P1 V1 के नीचे जो डिवाइड होगा यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा. इस फॉर्मूले के अंदर गिवन से देख के वैल्यूज पुट अप करें और V2 मालूम कर लें. ओके स्टूडेंट्स
मेन चीज़ ये आती है कि आप कैसे मालूम करेंगे कि बॉयल्स लॉ इस्तेमाल हो रहा है या चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अगर जिसे लिखा हुआ नहीं आता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो प्रेशर की और वॉल्यूम की दी हुई होंगी, टेम्परेचर की नहीं दी होंगी। जब टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं दी हों तो समझें कि बॉयल्स लॉ की बात आ रही है। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर लिखा हुआ आ गया तो आप समझ जाएंगे चार्ल्स लॉ की बात आ रही है, और अगर नहीं लिखा हुआ आया तो समझ चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज दी गई होंगी। जैसे यहाँ टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई है, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई हैं और वॉल्यूम की वैल्यूज दी गई हैं। ओके, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की अगर वैल्यूज दी गई हैं तो चार्ल्स लॉ है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज दी गई हैं तो बॉयल्स लॉ है। सही है, तो स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू सी द गुड टाइप ऑफ वीडियोस, सो कैंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 5 के मैं तमाम न्यूमेरिकल्स आपको करवा चुका हूं, ओके, समझा दिए हैं। ये सी में डिटेल क्वेश्चन हैं, ये भी मैंने बता दिया है कि ये एमोर्फस फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंस बता दिए हैं। चार्ल्स लॉ समझा चुका हूँ, इसकी वीडियोज भी बना दिए, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके इक्वेशंस ड्राइव करना सिखा दिए, वी वन अपॉन टी वन बराबर होता है वी टू अपॉन टी टू। बॉयल्स लॉ मैंने पढ़ा दिया है, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन पी वन वी वन बराबर होता है पी टू वी टू के, इसके न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ डिटेल्ड वाले सेक्शन सी के, और सेक्शन बी के भी शॉर्ट क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, एलोटॉपिक भी करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल्स बता चुका हूँ। सही है, और प्लाज्मा का बता दिया है। ओके, बी ओ सी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बी ओ सी क्या आइंस्टाइन की थ्योरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये डेंसिटी का करवा चुका हूँ, तमाम क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।